नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ उन सभी बड़ी खबरों को लेकर जो कि इन दिनों बनी हुई है टॉप पर और जुड़ी हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार, झारखंड और पूर्वांचल से। तो चलिए फटाफट बिना देर किए नजर डालते हैं उन खास खबरों पर और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में। इन दिनों खेसारी लाल यादव अपनी कई स्टेज शो को लेकर चर्चे में रहते हैं और हाल ही में हमारे पास कुछ स्टेज शो की वीडियो हाथ लगी है जहां पर खेसारी लाल यादव के स्टेज शो के दौरान ही वहां पर मौजूद सारे दर्शक और फैंस भड़क जाते हैं और वहां पर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। बता दें आपको कि इस दौरान दर्शक थोड़ा आगे आने लगे थे और स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे थे, जिसकी वजह से वहां पर व्यवस्थापकों को उन पर लाठियां चार्ज करनी पड़ी और यहां पर खेसारी लाल यादव हर किसी को शांत कराते नजर आए और भी तमाम तरह की बातें सामने आई। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये पूरी वीडियो। हाल ही में खेसारी लाल यादव के बारे में कई बातें बोलने के बाद विनय बिहारी नजर आए रवि किशन के साथ फिल्म महासंग्राम के मुहूर्त में। चलिए सुनाते हैं आपको कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बोला और साथ ही साथ क्या कुछ बातें की फिल्म के बारे में। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। और पहली बार रवि जी के साथ एक हीरोइन के रूप में लोग पसंद करेंगे। और जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है तो छोटे बाबा जो है वो शाहबाद की ज़मीन से है, प्योर भोजपुरिया है। उनके गानों में भोजपुरी जैसा कि उनके नस नस में है, तो भोजपुरी के मतलब गानों का संगीत जो है वो बखूबी जानते हैं। और अभी तो मैं एक निमंत्रण के साथ में आया हूँ, मुझे क्या जिम्मेवारी कितने गानों की मिलेगी मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूँगा। क्योंकि रवि जी को मैं रियल एक्टर मानता हूँ और इनकी फिल्मों में एक गाना भी लिखने को मिले तो मुझे कोई परहेज नहीं है और मैं लिखना भी चाहूँगा। बहुत सारी फिल्में इनकी लिखा हूँ, मेरी इनकी केमिस्ट्री अच्छी, ब्लॉकबस्टर रही, सिल्वर जुबली रही। तो मैं अभी मुझे जिम्मेवारी वो नहीं मिली है, मैं आज पहली बार निर्देशक और अपने निर्मात्री से मिल रहा हूँ और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग भी शुभकामना अपना दें, नारी शक्ति अपना सशक्त प्रदर्शन करें और ये फिल्म बहुत अच्छी हो। माँ ऑल द बेस्ट, महा उधर महासंग्राम के महानायक भोजपुरी में। भोजपुरी सिनेमा में अभी तक ना जाने कितने कॉन्सेप्ट पर कितनी फिल्में बनी हैं, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है, लेकिन हमेशा भोजपुरी सिनेमा में और भोजपुरी सिने प्रेमियों में ये मंशा बनी रही है कि फिल्म तो सुपरहिट वही होगी जिसमें इंडस्ट्री के तीन चहीते सितारे होंगे, हमारा मतलब है पवन, निरहुआ और खेसारी। लेकिन इस सोच को बदल दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री के कॉमेडियन और कॉमिक हीरो मनोज टाइगर ने, जिनके लीड रोल से बनी फिल्म पहली बार रिलीज हुई एक सप्ताह पहले, जिसका नाम था लागल रहा बताशा चाचा। जी हां, इस फिल्म को 25 जनवरी को बिहार झारखंड के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। इसका नाम था लागल रहा बताशा चाचा, जिसमें मनोज टाइगर के साथ आम्रपाली दुबे एक अलग कहानी के साथ दिखाई दी। नए स्टारों के होने के बावजूद फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म में पैसे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म में जमकर पैसा लगाया, उसे बड़ा बजट का बना दिया। जानकारी के लिए बता दें कि मनोज टाइगर की फिल्म लागल रहा बताशा चाचा को इतना प्यार मिला है कि उस फिल्म के कमाई की दुगनी प्रॉफिट फिल्म मेकर्स को पहुंच चुकी है। जी हां, और ये फिल्म भी बन गई है इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट हिट फिल्म। जी हां, इस फिल्म में इंडस्ट्री के तीन बड़े चेहरे ना होने के बावजूद फिल्म हिट साबित हुई है। इस फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज किया गया था, जिसे अब तक एक सप्ताह रिलीज हुए बीत चुका है। जाते जाते बता दें कि इस फिल्म से जुड़े सूत्रों का भी ये कहना है कि एक सप्ताह में इस फिल्म की कमाई ने सुपरस्टारों की फिल्मों को टक्कर दे दी है। कमाई के मामले में इस फिल्म की काफी अच्छी कमाई बताई जा रही है। जब इस फिल्म के कलाकारों को पता चला कि इस फिल्म ने एक सप्ताह में करोड़ों के आंकड़े छू लिए हैं तो सभी के होश उड़ गए। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।
दिल्ली सांसद और भोजपुरी फिल्मों के महानायक मनोज तिवारी हमेशा सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़े और अपने मन की बातों को लाइव आकर या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस तक और अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते रहते हैं। उनके द्वारा की गई बातें शायद बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती हैं। तभी तो सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी को फॉलो करने वालों लोगों की संख्या 8.5 लाख से भी ज्यादा है। जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह उठते ही मनोज तिवारी एक बार फिर से लाइव आए और उन्होंने झूठे खबरों पर और साथ ही विपक्ष आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। दोस्तों सुप्रभात, आप सबका दिन अच्छा हो। मैं दिल्ली में काफी भ्रामक और झूठ की समाचार फैलते हम लोग देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, जैसे आप लोग एक तो बात पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी सबको फोन कर रही है कि आपका वोट कट गया और हम जुड़वा दिए। ये एकदम झूठा प्रचार है। किसी का वोट कटवाना और बनवाना ये चुनाव आयोग का काम है। किसी का वोट तब कट सकता है जब वो 3 चुनावों में वोट ना दिया हो या वो दुनिया में ना रहा हो, तो भी उसको सूचना जाएगी। अभी वैसे ही एक और भ्रम हमने देखा, किसी ने चला दिया हमारा नाम लेके और शीला जी का नाम लेके फेसबुक पे मेरी फेक आईडी बना करके कि कौन दिल्ली का मुखिया होगा। ये सब फेक आईडी से चल रहा है। वो मेरे जो भी हमारे प्रमुख लोग हैं देश के, उनका फेसबुक ट्विटर उस पर एक ब्लू रंग की टिक होती है जिससे उसका वेरीफाइड अकाउंट होता है। वेरीफाइड बहुत छानबीन करके होता है। मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, इसलिए किसी ऐसे हम लोग इतनी छोटी सोच के लोग नहीं हैं। और इस तरह की कई भ्रामक समाचार आ सकते हैं साथियों, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सावधान रहिए। नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वे वही लोग हैं जिनका अपना भ्रष्टाचार का साम्राज्य खतरे में है। सो इस तरह की सारी झूठी और भ्रामक चीजों में नहीं जाना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय दिल्ली। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हर जगह एक के बाद एक नई राजनीतिक मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। हाल ही में बिहार से आ रही है एक बड़ी खबर। बता दें आपको कि इन दिनों खबर आ रही है कि नीतीश सरकार इस साल बिहार सरकार के लिए नए बंगले आवंटित कराएगी, क्योंकि फिलहाल जिन बंगलों में बिहार के नेता रह रहे हैं वो अंग्रेजों के जमाने के हैं, जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जिस वजह से नेताओं के लिए नए बंगले आवंटित कराए जाएंगे। बता दें कि इन बंगलों को पटना के पॉश एरिया में गर्दनी बाग इलाके में बनाया जाएगा। वहीं इन बंगलों पर आने वाले खर्च पहले 62 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन अब इस बजट में कटौती करके 52 करोड़ कर दिया गया है और इस बजट में लगभग 20 बंगले बनाए जाने हैं। अब ये देखना भी होगा कि ये बंगले कब तक तैयार होते हैं और नेताओं को कब तक आवंटित किए जाते हैं। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। भोजपुरी के सुपरस्टार और सुपरहिट गायक खेसारी लाल हमेशा से अपनी नई नई फिल्मों के लिए, नए नए गानों के लिए और नए विवादों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि होली आने में अभी पूरे 1.5 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही सारे सिंगर व्यस्त हो चुके हैं अपने होली गीतों की शूटिंग और रिकॉर्डिंग करने में। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले खेसारी लाल का एक होली गीत रिलीज हुआ जिसके बोल थे बता रही हैं होली के बाद पार्ट 2। इससे पहले खेसारी इसका पहला पार्ट भी गा चुके हैं पिछले साल, जिससे अब तक सोशल मीडिया पर 46 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। और इस गाने को रिलीज हुए अभी सिर्फ 2 दिन बीते हैं, लेकिन इस गाने को 1.1 मिलियन लोगों ने सुना है। ना सिर्फ सुना बल्कि YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट में इस गाने को 39 नंबर पर शामिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी लाल के इस गाने को लिखा है आजाद सिंह ने, संगीत दिया है आशीष वर्मा ने। फिलहाल इस गाने का ऑडियो सॉन्ग के रूप में रिलीज किया गया है, लेकिन जब इसका वीडियो सॉन्ग रिलीज होगा तो खेसारी के साथ काजल राघवानी नजर आएंगी, ये बात तय है। लेकिन फिलहाल इस गाने को सुनकर किसी ने कहा है कि इस साल इसी गाने को होली पर सुनकर डांस होगा, तो कोई कहता है त्योहार जवाब नहीं खे खेसारी भैया आई लव यू।
नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के स्टाइलिश स्टार और युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों व्यस्त हैं अपनी नई नई फिल्मों के मुहूर्त में। आप लोग जानते होंगे कि इंडस्ट्री में इस साल कई सारे अलग इंडस्ट्री से फिल्म मेकर्स ने एंट्री ली है जो भोजपुरी फिल्म का निर्माण का मन बना चुके हैं। हाल ही में मराठी फिल्म के एक डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में शामिल हुए जिन्होंने अपनी फिल्म के लिए प्रदीप पांडे चिंटू को साइन किया, लेकिन अगली फिल्म के लिए चिंटू तैयार हो चुके हैं जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। इस फिल्म का नाम है विवाह, जिसके चर्चे काफी समय पहले से ही थे। चर्चे इस कारण भी हुए हैं क्योंकि पहली बार अक्षरा सिंह और प्रदीप पांडे चिंटू एक साथ एक जोड़ी के रूप में दर्शकों के बीच नजर आएंगे। अभी तक आप लोगों ने इस फिल्म के मुहूर्त के किस्से ही सुने होंगे, लेकिन अब यानी आज से ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। हालांकि फिल्म के सेट पर प्रदीप पांडे चिंटू अकेले ही फिल्म डायरेक्टर प्रदीप सिंह और फिल्म के पीआरओ संजय भूषण पटियाला के साथ दिखाई दिए हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि पहले दिन प्रदीप पांडे चिंटू के ही सीन को फिल्माया गया है। लेकिन दर्शकों को अब उस पल का इंतजार रहेगा जब अक्षरा फिल्म के सेट पर चिंटू के साथ रोमांस फरमाती नजर आएंगी या फिर इमोशनल सॉन्ग शूट करती नजर आएंगी, क्योंकि अक्षरा और चिंटू को एक साथ देखे हुए ना जाने कितना समय बीत चुका है। दोनों को एक साथ देखना एक अलग ही दिलचस्पी की ओर मोड़ देता है। फिल्म की कहानी क्या होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन फिल्म डायरेक्टर्स की जुबानी ही ये सुनने को मिला है कि विवाह फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक है। विवाह फिल्म के नाम से ही बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। शाहिद कपूर की जगह भोजपुरी में प्रदीप पांडे चिंटू भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्म विवाह की तरह ही लोगों को ये फिल्म पसंद आती है या नहीं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जहां कई तरह के गाने और एल्बम सुनने को मिल रहे हैं, तो साथ ही साथ इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस जो हैं वो अपने वेट लॉस को और अपने फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। तो अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस रानी चटर्जी की, तो इन दिनों वो अपने सोशल मीडिया पर कई सारे एक्सरसाइज वीडियोस और फोटोज शेयर करती हैं। तो हाल ही में सोशल मीडिया पर वो अपने वेट को लेकर बोलती हुई नजर आई। बता दें आपको कि उनसे जब पूछा गया कि आपने ढेर सारा वेट लॉस किया है और आपका रूप और रंग बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तो इस बात को सुनकर रानी काफी खुश हुई और उन्होंने बताया कि वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही हैं अपना वेट लॉस करने के लिए और अपनी फिगर को फिट करने के लिए, और साथ ही साथ इन दिनों वो अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान दे रही हैं। वहीं हमने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि रानी चटर्जी अपना वेट लॉस करने के लिए इन दिनों सुबह सुबह दालचीनी का पानी पी रही हैं और साथ ही साथ ऑयली फूड से भी रिश्ता तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि रानी चटर्जी आने वाले टाइम में किस तरह का रूप और रंग लेकर आती हैं और साथ ही साथ भोजपुरी की फिट एक्ट्रेसेस को टक्कर दे पाती हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इन दिनों क्या कुछ चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार झारखंड और पूर्वांचल में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।